लक्षण महापर्व ये अभी चल रहा है। माघ मास के ये दस लक्षण पर्व हैं और बहुत सारे लोगों को तो यह परिचय में ही नहीं है कि ये कुछ पर्व हैं। पर्व तो अवसर ही बड़ा मांगलिक होता है, जिसे सुनने से ही प्रसन्नता होती है, लेकिन चर्चा तो हमारे को दस लक्षण धर्म की नहीं, धर्म की करनी है। धर्म क्या है बोलो? क्षमा धर्म है, किसी व्यक्ति को हमने माफ़ कर दिया, ये धर्म है। या किसी से हमने उत्तम क्षमा कह करके, मिच्छामि दुक्कड़म कह करके माफ़ी मांग ली, ये धर्म है। दया का नाम धर्म है कि करुणा का नाम धर्म है? संयम अंगीकार करने का नाम धर्म है कि व्रतादि लेने का नाम धर्म है? आखिर धर्म है क्या? पूरे जगत में लोग धर्म करना चाहते हैं, धर्म करेंगे हम धर्म करेंगे, धर्म करना है, धर्म कर लो। और कैसा धर्म कर लो? कुछ भी। और धर्म की व्याख्या है सबने अपनी अपनी बना रखी है, हर व्यक्ति की अपनी धर्म की व्याख्या है। भाई साहब, मैं यहाँ बैठे हुए आप लोगों से नहीं कहता हूँ, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से धर्म की परिभाषा बनाता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म संप्रदाय वाला हो, वो अपनी अपनी अपेक्षा से कहता है ये धर्म है, ये धर्म है। अरे मंदिर के, अरे मैं सिखाता हूँ तुम्हारे को धर्म क्या होता है, मैं बताता हूँ तुम्हारे को धर्म क्या है। अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी अपेक्षाओं से कहेंगे ये धर्म है। कोई गरीबों की सेवा करने को धर्म कहेगा, कोई अस्पताल में जाकर के मरीजों को देखने को धर्म कहेगा, कोई कबूतरों को ज्वार डालने को धर्म कहेगा, कोई ये कहेगा गाय को रोटी खिलाओ इसका नाम धर्म है, कोई कहेगा रोजाना मंदिर आओ इसका नाम धर्म है, कोई कहेगा व्रत अंगीकार करो इसका नाम धर्म है, कोई कहेगा रात्रि भोजन मत करो इसका नाम धर्म है। कि मैं बहुत धर्मात्मा हूं, कि कैसे, कि मुझे 20 साल हो गए रात को पानी नहीं पिया, ये धर्म है। हर व्यक्ति की निगाह में, हर व्यक्ति की दृष्टि में, हर व्यक्ति की अपेक्षा से धर्म को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया जाता है, लेकिन वास्तव में धर्म है क्या? धर्म किसका नाम है? हमारे आचार्यों ने बहुत सारी परिभाषाएं धर्म की दी है। मैं बहुत शास्त्रीय व्याख्याओं में आपको नहीं उलझाना चाहता, लेकिन बहुत मोटे मोटे तौर पर एक सामान्य चर्चाएं आपके बीच में जरूर करना चाहता हूं। आखिर ये धर्म क्या है बोलो? आपको क्या लगता है? मंदिर आ रहे हैं साहब, इतना तो धर्म करते हैं, और कितना धर्म करेंगे आप? कितना धर्म करते हैं आप? कोई धर्म करते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत तो करते हैं। बोलिए, मैं पूछता हूँ लोगों से, लोग कहते हैं थोड़ा बहुत तो करते हैं धर्म। क्या आप जानते हैं धर्म कहते हैं? नहीं, धर्म की परिभाषा तो नहीं पता, लेकिन धर्म तो करते हैं थोड़ा बहुत। अरे तो करते हैं क्या हो तुम? धर्म कहते किसे हैं? यदि तुम्हें ये नहीं मालूम, तुम्हें धर्म की व्याख्या नहीं मालूम, तुम्हें धर्म का स्वरूप नहीं मालूम, और फिर भी तुम ये कहते हो कि हम धर्म करते हैं, तो फिर तुम क्या करते हो? मनगढ़ंत धर्म करते हो, जिसमें तुमने समझ रखा है बस वही तुम्हें लगता है कि ये करूंगा तो मैं धर्मात्मा। व्रत प्रतिमाली उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो, ऐसा
समझता है अब इससे बढ़कर और धर्म क्या होगा। व्रत ले लिए मैंने तो प्रतिमा ले ली। सही सही बतलाओ आपको क्या लगता है, आप 5-7 दिन से रोजाना मंदिर लेट आ रहे थे, प्रक्षालन नहीं कर पा रहे थे, पूजन नहीं कर पा रहे थे, स्वाध्याय नहीं सुन पा रहे थे व्यस्तता के कारण, और जब आपने थोड़ा सा ये शुरू किया तो आपको अंदर में फील क्या होता है, मैं धर्मात्मा। अभी तक तो लाइफ खराब जा रही थी, कहाँ बीत रही थी, अब रोजाना कर रहा हूँ, देखो अभी तो बिल्कुल बहुत पर्टिकुलर हो गया हूँ मैं, प्रक्षालन करने में, पूजन करने में, प्रवचन सुनने में, अब 3-3 घंटा बराबर बीत रहा, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है ना, क्यों ये धर्म है कि नहीं है, आपको किस में अच्छा लग रहा है। मैं ये राग भाव में धर्म नहीं है, प्रभु आज समझ में आया है के बीत रागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। अभी देखो गंभीर बात कहना चाहता हूं, राग भाव में धर्म मानना उसे जब जिन मत में मिथ्यात्व कहा है तो देह की क्रिया में धर्म मानना, जड़ क्रिया में धर्म मानना, इसे जनागम में क्या कहेंगे बोलो। दो बातें हो गई ना, एक क्रिया एक भाव। क्रिया जड़ की क्रिया है, भाव राग शुभ परिणाम है, और इनसे ऊपर चलो, इन शुभ भावों से ऊपर चलो तो जो शुद्ध भाव है वो धर्म है। हमें नहीं मालूम धर्म क्या है और किए जा रहे हैं, हम तो रोज धर्म कर रहे हैं। अच्छा आपने धर्म किया तो आपको थोड़ी बहुत सुख शांति मिली कि नहीं मिली, कि हाँ थोड़ी बहुत हो तो रही है, कि सुनो भाई धर्म में शांति है और कर्म में अशांति है। जहां तुम्हारे को अशांति होवे वो समझ लेना कर्म है, और जहां शांति हो वो समझ लेना धर्म है। एक और लक्षण बतलाता हूं, जहां से तुम हटना न चाहो, जहां से तुम छूटना न चाहो, जिसको तुम बंद करना न चाहो, धर्म कभी छोड़ा नहीं जाता, और जो छोड़ दिया जाए वो धर्म हो नहीं सकता। कुछ कुछ व्याख्याएं कर रहा हूं मैं, मोटी मोटी व्याख्याएं समझ में आए। धर्म कभी छोड़ा नहीं जाता, और जो छोड़ दिया जावे वो धर्म हो नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूं, प्रक्षाल करना ये छोड़ा जाता है कि नहीं छोड़ा जाता है बताओ। हाँ कहोगे साहब ये भी कोई छोड़ता है कि तो अच्छी बात है, अरे मुनि बनने के बाद में छोड़ेगा कि नहीं, क्या मुनिराज को भी प्रक्षाल करते देखा है। पूजन करना धर्म है विक्रम जी, पूजन करना धर्म है, मुनिराज को देखा पूजन करते हुए। धर्म वो है जो छोड़ा नहीं जाता, धर्म वो है जिसका त्याग नहीं किया जाता, धर्म वो है जिसे अपनाने पर सुख दिखाई देता है, धर्म वो है जिसे अपनाने पर शांति दिखाई देती है। आप विचार कीजिए, आप निर्णय कीजिए किसे धर्म कहें और किसे ना कहें। मैं तो कुछ विचारणीय बिंदु आपके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहता हूं। जहां शांति, सुख और शांति जहां है वहां धर्म होगा, सुख और शांति जहां हो। जहां जो कर्म है जैसे आप धर्म समझ रहे हो, इस कर्म में तो अशांति है, इस कर्म में तो आकुलता है, इस कर्म में तो दुख है। धर्म परतंत्रता में नहीं होता, धर्म दुख में नहीं होता। जहां दुख और आकुलता होती हुई दिखाई देवे वहां धर्म नहीं होता भाई साहब। जहां हमें ये लग रहा हो कि अब तो बहुत धर्म कर लिया, तो कर तो रहे हैं हम, और फिर क्या हुआ, आधा एक घंटा किया अब एक बार बहुत हो गया, अब टाइम भी तो देखो, अब घर चलना है अपने को, तो क्या हुआ। अरे साहब बहुत मजा आया, कि किस में मजा आया आपको, प्रवचन में बहुत मजा आया, पूजन में बहुत मजा आया, कितने सुंदर धुन में गाते हैं, कितना शांति से चलती है, बहुत धारा प्रवाह ऐसे सब लोग सामूहिक करते हैं, बहुत मजा आया साहब पूजन में, तो मजा आया तो चलने देवे, हाँ चलने दो, ये कितनी देर, ये जितनी भी देर चलाओ, 15 मिनट ज्यादा हो गया, आधा घंटा ज्यादा हो गया, फिर क्या लगने लगता है अंदर से, क्या फील होने लगता है, बस करो यार अब बहुत भी हो गया, क्यों जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, हाँ हमें किस बात की सजा दे रहे हो, क्यों बिठा रखा है यहाँ, अब तो जाने दो, अब तो कोई और काम करने दो, क्यों क्यों छोड़ना चाहते हो इसको, क्यों उठना चाहते हो यहां से, क्योंकि यहां सुख नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए जहां से आपका मन बदलना शुरू हो जाए, देखो हमारे मुनिराज, हमारे भावलिंगी संत, हमारे सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष जब अपने स्वभाव में लीन होते हैं तो बाहर निकलना मजबूरी है।
बाहर निकलना नहीं चाहते, अंदर स्वभाव में लीन रहने की ही भावनाएं हैं। प्रभु लीन निज में ही रहूं, ऐसी लाइन है ना, हे भगवान अपने में ही लीन रहूं, बस यही मेरी भावना है। तो बाहर क्यों आ गए, आना पड़ा वो मजबूरी है, छठे गुणस्थान में आ जाना मजबूरी है, और छठा गुणस्थान भी छठा तब कहलाता है जब सातवें में जाने की भावना वर्तती है, शुद्धोपयोग में लीन रहने की भावना। बस चले तो अंदर स्वभाव में जाने के बाद में बाहर निकले ही नहीं, उसका नाम धर्म है। धर्म परतंत्रता में नहीं होता, धर्म पराधीनता में नहीं होता। आपको कहाँ कहाँ धर्म दिख रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो माला फेरने में धर्म है या नहीं है। माला फेरते हैं कैसे, जानते कैसे, हाथ में लेकर कैसे माला फेरते, धर्म है या नहीं है उसमें। अच्छा, हाथ में लेकर के ऐसे आप माला फेर रहे हो और हमने आपसे कहा अब हाथ उठाने की आपकी ताकत नहीं बची, तो फिर धर्म हो सकता है या नहीं, क्योंकि माला में धर्म था तो मैं माला ही नहीं फेर पा रहा हूँ। मैंने कई लोगों से सुना है साहब ऐसा, क्या करें साहब शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है अब हम माला ही नहीं फेर पा रहे हैं, अब तो हमारा धर्म ही छूट गया है, अब तो तबीयत इतनी खराब हो गई है कि हमारा उठना बैठना ही बंद हो गया है, हम तो बिस्तर पकड़ लिए हैं, अब क्या करें। रोते हैं ऐसे लोग मेरे सामने, बहुत सारे लोग ये कहते हैं अब हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें, अब हम कैसे धर्म करें, बताओ। हॉस्पिटलाइज हो गए कभी ऐसी स्थिति में हम लोग, और वहां अब हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं, अब तो वहीं हॉस्पिटल में ही है, दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, अब बिना दर्शन किए हुए धर्म कैसा बताओ, बिना पूजन किए हुए धर्म कैसे होगा, बिना माला का जाप किए हुए धर्म कैसे होगा, अब तो यहां स्वाध्याय भी नहीं कर पा रहा हूं, धर्म कैसे होगा। सुनो भाई, ये धर्म इस परतंत्रता में नहीं है, धर्म इस पराधीनता में नहीं है। तुम्हें ऐसे लग रहा है कि इस प्रवृत्ति में धर्म है, यदि ये प्रवृत्ति पराधीन है, कंट्रोल में नहीं है ना आपके, आपकी ये स्थिति कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब इसमें धर्म नहीं हो सकता, धर्म स्वाधीनता में होगा। ये परिभाषा बतला रहा हूं आपको, दिमाग में सेट कर लेना, धर्म परतंत्रता में नहीं है। जिसमें संयोगों की परतंत्रता हो, जिसमें परिवार की पराधीनता हो, मैं क्या करूं, वो तो बेटा है ही नहीं, वो होता तो गाड़ी में ले जाता, कोई टैक्सी नहीं है, अब मंदिर कैसे जाऊं, अब मंदिर नहीं जा पा रहा हूं, तो अब धर्म नहीं होगा। क्यों भाई, धर्म परतंत्रता में, धर्म बाहर में होता है, धर्म किसी एरिया में होता है, धर्म किसी क्षेत्र में होता है। धर्म गिरनार जी जाकर के होगा कि सम्य शिखर जी, शत्रुंजय पर जाकर के होगा कि सम्य शिखर जी जाकर के होगा, बोलो धर्म कहाँ होगा, बाहर में। हमें ऐसा लगता है अरे चलो चलो तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो जी सम्मेद शिखर चालो, ऐसा लगता है हमारे को, खूब धर्म कर ले। और आज के धर्म की आनंद की जय जयकार लगाता है, खूब धर्म कर लिया हमने। लेकिन भाई ये जो परतंत्रता दिखाई दे रही है इसमें, आंखों की पराधीनता जहां हो, दर्शन करने में धर्म है, अब कह रहे आंखें नहीं है हमारी, अब बतलाओ कैसे धर्म करूंगा। जवान से बोलने का नाम यदि धर्म हो, पाठ बोलने का नाम यदि धर्म है, और मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो क्या धर्म नहीं होगा क्या। शरीर से विकृति है तो क्या धर्म नहीं होगा क्या। कल ऐसी बात चल गई थी अपनी, हमें ऐसे लग रहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमें ऐसे लग रहा है शरीर है तो धर्म है और शरीर नहीं है तो धर्म नहीं है। अरे शरीर से भिन्न स्वीकृति, ये शरीर के रहते हुए भी हो सकती है, शरीर के विकृत होते हुए भी हो सकती है, बीमारियां होते हुए भी हो सकती है, रोग और तकलीफ होते हुए भी हो सकती है, देह रहे लेकिन देह के प्रति एकत्व बुद्धि टूट जावे तो धर्म प्रकट होता है। धर्म मान्यता का नाम है, धर्म श्रद्धा का नाम है, धर्म देह की प्रवृत्ति का नाम नहीं है। अलग अलग लोग, कोई क्षेत्रों के पूजन करके समझ रहा है, कोई क्षेत्रों की वंदना करके समझ रहा है, कोई उनकी व्यवस्थाएं संभाल करके धर्म समझ रहा है, कोई मानवता में धर्म समझ रहा है, कोई समाज सेवा में धर्म समझ रहा है, कोई शरीर के माध्यम से कठोर तपश्चरण करके समझ रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं। देह से ऐसे खड़े हो गए बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल हिलेंगे नहीं कि कितने समय तक, कि बस एक दिन दो दिन तीन दिन 108 घंटे तक हिले नहीं। ओहो क्या धर्म भाई, क्या धर्मात्मा है, गजब हो गया, और मुझसे खड़ा नहीं रहा जाए तो धर्म हो गया। स्वाधीनता होनी चाहिए, स्वाधीनता में धर्म है, और वो स्वाधीनता इतनी है कि मैं जानने वाला और मैं जानने में आने वाला
पर को जानने का नाम धर्म नहीं, निज को जानने का नाम धर्म है। इसलिए हम कह रहे हैं स्वाधीनता में धर्म है। आपका धर्म आपकी वाइफ के अधीन है क्या? आपका धर्म आपके हस्बैंड के अधीन है क्या? आपका धर्म आपकी फैमिली के अधीन है क्या? परतंत्र है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे स्पाउस मंदिर नहीं जाने को मना कर दे, नहीं जाओगे आप? क्या धर्म धर्म लगा रखा है? अब देखना आप मंदिर गए तो हो सकता है नहीं जाने देने, तो क्या करूं मैं? कहां फंस गया यार, मैं तो धर्म ही नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, मंदिर नहीं गए तो नहीं गए, घर में बैठ करके स्वाध्याय तो कर सकते हैं। घर में बैठ करके कर लिया हमने, छीन लिए आपके शास्त्र, छीन लिए आपकी माला, नहीं करेंगे आप जाप, नहीं पढ़ेंगे आप शास्त्र, छीन लिए आपके सारी सुविधाएं जिनमें बैठ करके आप प्रवचन सुना करते थे, अब बोलो अब धर्म होगा कि नहीं? बंद कर दिया आपको कमरे में, अब धर्म होगा कि नहीं? बंद कमरे में धर्म हो सकता है कि नहीं? खाली दीवारों के बीच में बैठ करके धर्म हो सकता है कि नहीं? बाहर से लगा दिया गया ताला, एक ताला लगा है, धर्म अब कैसे होगा भैया? अब तुम जा ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते, बाहर ही नहीं जा सकते कि सुनो एक नहीं 48 में बंद करने में तो भी धर्मात्मा थे। कौन? मानतुंगाचार्य, भक्तामर स्तोत्र की रचना करने वाले। 48 में बंद। अब वो घटना प्रतिमानु युग की न मालूम जो कुछ भी है, अब उसमें कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, जो कुछ भी हो, मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। जो भी बनी होगी परिस्थिति, किंवदंती चली आ रही है इस तरह की, लेकिन बंद कर देने पर भी धर्म हो सकता है ना भैया? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जहां संयोगों की पराधीनता नहीं है, जहां देह की पराधीनता नहीं है, जहां अपना उपयोग अपने स्वभाव के आश्रित हुआ, उसका नाम धर्म है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवरहणम संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। संवंत भद्राचार्य कहते हैं जो तुम्हें संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में ले जाकर के धरे, उसका नाम धरे उसका नाम धर्म है। धारयति इति धर्म है, जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। धर्म धारण किया जाता है, धर्म अपनाया जाता है। हमारे यहां शास्त्रों में कई प्रकार से धर्म की व्याख्याएं मिलती है। धर्म 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 की चर्चा कर रहे हैं अपन, धर्म कई प्रकार से कहा जाता है, बहुत बहुत व्याख्याएं मिलेगी धर्म की। जैसे 10-5 परिभाषाएं तो हम भूलते हैं कई बार, वत्तु स्वभाव धम्मो, चारित्तम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म, श्रावक धर्म, मुनि धर्म, कितने प्रकार से धर्म धर्म की चर्चा करते हैं अपन। अब इनमें सच्चा धर्म कौन सा? सत्य धर्म, जैन धर्म। ये जैन धर्म क्या है भाई साहब? ये जैन धर्म क्या है? जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं ये धर्म क्या है? जिसे हम धर्म कह रहे हैं, किसी व्यक्ति ने पूछ लिया आपसे, मैं सच्ची घटना कई बार सुनाता हूँ, मेरे पुराने प्रवचनों में बहुत मिल सकती हैं आपको कहीं। मैं प्रवचन करके वहाँ से लौट रहा था, एटलांटा से शिकागो होकर के इंडिया आ रहा था और अकेला था। बगल में सीट पर एक सज्जन बैठे हुए थे, मैंने कहा करें क्या, इतना लंबा सफ़र है। तो हमने बात करना उनसे शुरू किया, थोड़ी वो हिंदी जानते थे और वो कोई बांग्लादेश के आसपास के उधर के रहने वाले थे, कहीं उसी तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में चर्चा चलने लगी, हमने बात यहाँ से शुरू की, भाई साहब आप कौन से धर्म को रिलीजन को फॉलो करते हो? तो कहीं कहीं से शुरू करनी पड़ेगी ना बात, पास वाले से आप बात क्या करोगे? हम तो किसी से चर्चा करते हैं तो इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा ही नहीं करते, यहीं से चर्चा होती है हमारी। तो आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमसे पूछा, या आप कौन सा मानते हैं? हमने कहा हम तो जैन है। बोले जैन क्या होते हैं? जैन धर्म कौन सा धर्म है? जैन धर्म ही नहीं जानते थे। बोलो अब उनको क्या बताता आप कौन सा धर्म है? तो मैंने उनसे कहा आप भगवान महावीर का नाम सुना है आपने? हम भगवान महावीर के फॉलोअर हैं। वो इस महावीर, महावीर कौन है? और महावीर भगवान को भी नहीं जानते, अब मैं क्या बतलाऊं उनको? बोलो आप कल्पना करो आपके साथ ऐसी परिस्थिति बने भाई साहब, और कोई व्यक्ति आपसे ये पूछ ले, आप तो जैन हो आप बतला दो धर्म क्या है?
आप बताओ, आप जैन हो ना, आप बताओ धर्म क्या है। नयन भाई आपको क्या कहना है धर्म के बारे में, बोलो। सचिन जी धर्म क्या है? अहिंसा से शुरू करो, अहिंसा धर्म है। जैन धर्म क्या है? वस्तु का स्वरूप धर्म है। बोलो, मैं लोगों से जब समाज में पूछता हूँ इस तरह का प्रश्न, तो लोगों के दिमाग में तत्काल ये बात आती है, यार जैन धर्म तो अहिंसा है, जैन धर्म तो जीवों की दया पालने की बात कहता है, जैन धर्म में तो हम लोग आलू प्याज भी नहीं खाते हैं, जैन धर्म में हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, ये हमारा जैन धर्म ऐसा है, कितना महान है हमारा जैन धर्म, आलू प्याज नहीं खाते रात्रि। अरे भाई ये सब प्रवृत्तियां हैं, ये जैन धर्म नहीं है, जैन आचार है, दो अलग अलग चीजें हैं। जैन आचरण ये जैनियों का सदाचार है, आलू प्याज रात्रि भोजन नहीं करना, इनका सेवन नहीं करना, ये जैनियों का सदाचार है, ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म तो कुछ और है, जैन धर्म तो कुछ अलग है। मैंने उसको दो चार घंटे में धर्म धर्म समझाया क्या है, रास्ते में सफर में चलते हुए मैंने उसे कहा ये जैन धर्म वो धर्म है जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात कहता है, ये जैन धर्म वो धर्म है जो वस्तु धर्म है, ये जैन धर्म वो धर्म है जो यूनिवर्सल धर्म है। राग में सुख नहीं है, क्रोध में सुख नहीं है, कषायों में सुख नहीं है, कषायों के अभाव में सुख है, शांति इनके अभाव में है। दुनिया का हर व्यक्ति क्रोध को बुरा मानता है, हर व्यक्ति मान को बुरा मानता है, हर व्यक्ति मायाचार को बुरा मानता है, लोभ को बुरा मानता है, गुस्सा करना किसी को पसंद नहीं आता है। तो इसको छोड़ना, इसका त्याग करना, ये धर्म है। और अपने स्वभाव को पहचाना, पहचानना, बाहर नहीं अंदर देखने का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म को बाहर से नहीं देखा जाता, सच्चे जैन धर्म को देखना है तो तुम्हें अंदर से देखना पड़ेगा। हमारे जैन, आपके जैनी कहाँ है, कौन सी जगह पर है आपके जैनी ज्यादा? उसने मेरे से एक बात चर्चा के दौरान पूछी, आपके जैनी सबसे ज्यादा कौन सी जगह पर है? हमारे जैनी चारों गतियों में है। कहाँ बतलाएं, बोलो आपको क्या लगता है कहाँ है हमारे जैनी? भारत में, भारत में ही है आपका जैन धर्म तो सिमट करके भारत में रह गया। ये क्या बात कर रहे हो, भारत में हमारा जैन धर्म ऊर्ध्व लोक में भी है, हमारा जैन धर्म अधो लोक में भी है, हमारे जैनी नारकी भी है और हमारे जैनी हाथी घोड़े कुत्ता बिल्ली भी है, वो भी जैन है। बोलो कितना विशाल है ये जैन धर्म, ये जैन दर्शन कैसा है। हमारे जैन धर्म में देवगति के जीव भी जैन है, हमारा ये जैन धर्म शाश्वत है, तीनों लोकों में व्याप्त है, ये त्रिकाल धर्म है, ये त्रिलोकी धर्म है, ये लोकव्यापी धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये परमानेंट धर्म है। ये क्योंकि धर्म वस्तु के स्वभाव से जुड़ा हुआ है और क्योंकि वस्तु का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, इसलिए जैन धर्म कभी बदलता नहीं है। कभी कभी समाज में जब मैं लोगों से चर्चाएं करता हूं तो लोग ये कहते हैं, अरे साहब बहुत खराब काल आ गया है, अब तो धर्म बचा ही नहीं है। धीरे धीरे करके पंडित जी आप लोग जैसे लोग ही बचा लो तो बच जाए, थोड़ा बहुत आप लोगों की वजह से बचा है, बाकी तो ये पंचम काल और ये धीरे धीरे करके सब नाश ही हो रहा है, सारा सारा धर्म खराब हो गया, अब तो कोई धर्म बचा ही नहीं है। लोग आलू प्याज की तो बात क्या, वो ड्रिंक करने लगे, नॉनवेज खाने लगे, कोई धर्म बचा ही नहीं है, अब तो सब खत्म हो गया धीरे धीरे। और अभी देखो अभी तो हुआ क्या है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा यदि बच्चों में संस्कार नहीं दिए गए। तो मैं ये कहता हूँ भाई साहब, आप जानते हो जैन धर्म क्या है? खत्म होने की कह रहे हो ना तुम, जैन धर्म वस्तु धर्म है। वस्तु का स्वभाव यदि नहीं मिट सकता तो धर्म नहीं मिट सकता, ये वो धर्म है। तुम तो अपनी सोचो, जैन धर्म की मत सोचो। क्या मेरे जीवन में धर्म रहेगा कि नहीं इसका विचार करो, मेरे बच्चों में धर्म रहेगा कि नहीं इसका विचार करो, मेरी आगामी पीढ़ियों में धर्म रहेगा कि नहीं इसका विचार करो। जैन धर्म की परवाह मत करो, जैन धर्म तो अनादि अनंत है, शाश्वत है ये जैन धर्म जो सदाकाल रहेगा। अनंत काल में जैन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि पानी की शीतलता का नाम जैन धर्म है, अग्नि की उष्णता का नाम जैन धर्म है, नमक के खारेपन का नाम जैन धर्म है। नमक का खारापन यदि नहीं मिटाया जा सकता, अग्नि की उष्णता यदि नहीं मिटाई जा सकती, तो जैन धर्म को नहीं मिटाया जा सकता। आप जानते हैं धर्म क्या है, हम धर्म बतला रहे हैं आपको, हम जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम वस्तु धर्म की चर्चा कर रहे हैं। वस्तु का धर्म वस्तु से छीना नहीं जा सकता है, आपके धर्म को आपसे कोई छीन लेवे ऐसा हो नहीं सकता। अरे साहब इन्होंने मेरा धर्म छीन लिया, मैं शुद्ध वस्त्र पहन करके आया था, इन्होंने मुझे छू लिया, मेरा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया इन्होंने। ये नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति, इसने मुझे परोस दिया, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, मुझे तो मालूम नहीं था। हमारी रसोई के अंदर ये अंडा ले आया, धर्म भ्रष्ट हो गया हमारा तो। अरे क्या धर्म भ्रष्ट हो गया, धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है।
वस्तु स्वभाव धर्मों के करके पुकारा है जिनामनाए में। ये जैन परंपरा में वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा गया है। और वस्तु कैसी है, वस्तु का स्वभाव कैसा है, आप जानते हैं? अग्नि है ना, उसको टच करने के लिए कहा जाए तो आप जानते हैं? चुको मत भैया, गर्म है। आपको पता है गर्म है वो? आपको कैसे पता है? मालूम है, हमारे विश्वास है, हमारे नमक के खारेपन पर भरोसा है या नहीं आपको? नहीं नहीं, पंचम काल चल रहा है, क्या बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो बदल जाए। आजकल तो नमक भी नमक जैसा नहीं रहा, पंचम काल चल रहा है। अरे ये वस्तु का जो स्वभाव है, जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये धर्म क्षेत्र और काल से प्रभावित नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझसे अमेरिका में ये बात कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बात कहते हैं कि साहब इस देश में धर्म हो सकता है या नहीं। मैं कहता हूं धर्म क्षेत्र में नहीं होता, पर क्षेत्र में नहीं होता, धर्म स्वक्षेत्र में होता है। बाहर पर क्षेत्र है, अंदर स्वक्षेत्र है। धर्म बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। क्षेत्र की मर्यादा नहीं है। लंदन में अग्नि कैसी होती है भाई साहब? आप तो बहुत रहते हैं लंदन में, वहां की अग्नि कैसी है? वहां की भी अग्नि गर्म है, वहां की भी अग्नि उष्ण है, क्या बात कर रहे हो। अमेरिका में ठंडी होती होगी, आपके सिंगापुर में, यहां यहां कैसी अग्नि? मैंने छुआ नहीं, यहां मुझे मालूम नहीं है, मैंने टच करके नहीं देखा। मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। और भोग भूमि की मिश्री, कल्प वृक्षों से मिलने वाली मिश्री कैसी होती होगी? वो भी मीठी होती होगी। और चौथे काल की, भाई साहब चौथे काल की तो और क्या होती होगी मिश्री, कैसी होती होगी चौथे काल की मिश्री? चौथे काल की मिर्ची तो मीठी होती होगी। चौथे काल की मिर्ची मीठी नहीं होती, मिर्च तीखी होती है, मीठी नहीं होती। ये वस्तु का स्वभाव है। आपको मिर्च के तीखेपन पर भरोसा है, पक्का? आपको नमक के खारेपन पर भरोसा है, पक्का? आपको अपने आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पे भरोसा है? आपको नमक की खबर है, आपको अपने आप की खबर है? हम अपने आप को जान रहे हैं, हम अपने आप को पहचान रहे हैं? हमारा भी तो स्वभाव होगा ना। जब हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है तो हमारा स्वभाव नहीं होगा कोई। हर वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है, इसका अपना धर्म है। ये क्या है? ये घड़ी। इसका धर्म क्या है? समय बतलाना, समय बदलना, टाइम टाइम, ये इसका धर्म है ना। पर यदि ये नहीं चले तो इसको घड़ी कौन कहे? जगत में कहावत प्रसिद्ध, चलती का नाम गाड़ी। नहीं चले उसे गाड़ी कौन कहे? ये गाड़ी तो है कि साहब मंदिर जाना है, आपके पास गाड़ी है कि? है ना गाड़ी है, तो चले कि नहीं? लेकिन चलती नहीं है। चले नहीं तो उसको गाड़ी कौन कहे? तो आत्मा किसे कहे? जो जाने देखे उसे आत्मा कहते हैं, जो ज्ञाता दृष्टा हो उसका नाम आत्मा है। हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है, तो आत्मा का भी अपना स्वभाव है। ये स्वभाव धर्म है, ये वस्तु धर्म है। तो फिर साहब यदि यही धर्म है तो फिर धर्म करना है इसका क्या होगा? हमें धर्म करना है क्यों भाई साहब? धर्म करना भी तो है हमारे को। आप कह रहे हो वस्तु धर्म की बात कह दी आपने, तो अब हम कह रहे हैं धर्म करना है। तो यदि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है तो फिर करने को क्या रह गया? बोलो, करने के लिए क्या बचा? क्योंकि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो है, अनादि अनंत है, नमक खा रहा है तो है, अनादि अनंत है, हर क्षेत्र में, हर काल में, क्षेत्र काल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, संयोगों से प्रभावित नहीं होता। अरे गरीबी और अमीरी का फर्क नहीं पड़ता, पद प्रतिष्ठा और बेरोजगार, इसका फर्क नहीं पड़ता। गरीब व्यक्ति नमक खाए तो कैसा लगेगा, और राजा साहब खाए तो, अरे राजा खा रहा है आपको पता है, तो कैसा होगा? ये कैसे धर्म की बात कर रहे हैं हम? कौन से स्वभाव धर्म की बात कर रहे हैं? लेकिन इस स्वभाव धर्म के रहते हुए पर्याय में धर्म कैसे हो? हमें तो धर्म करना है, ये बताओ आप। तो क्या करें हम? बोलो। अपने आप मिली वस्तु स्वभाव धर्म को पहचानने का नाम पर्याय में धर्म की प्रकटता है। स्वभाव से तो धर्मात्मा है वस्तु, लेकिन उस वस्तु स्वभाव धर्म को पहचानना, उस वस्तु स्वभाव धर्म की श्रद्धा करना, उस वस्तु स्वभाव धर्म को जानना,
उस वस्तु स्वभाव में लीन हो जाना, इसका नाम धर्म है। और जब ये श्रद्धा और भरोसा होता है तो फिर दूसरे धर्म की परिभाषा प्रकट होती है, जिसे कहा है दंसन मूलो धम्मो। क्या कहा, क्या है परिभाषा का? दंसन मूलो धम्मो। ये क्या चीज है दंसन मूलो धम्मो? क्या है दंसन? माने दर्शन, मूलो मूल है धर्म का, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। ये सम्यक दर्शन धर्म है, ये पर्याय में प्रकट होने वाले धर्म की बात कह दी। अब ये जो पर्याय में प्रकट होने वाला धर्म है, ये भी देहाश्रित नहीं है। हम जो धर्म के नाम पर जो कुछ किए जा रहे हैं वो नहीं है एकांत में बैठकर, जंगल में बैठकर, गुफा में बैठकर, कहीं किसी पहाड़, किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के तट पर, किसी पेड़ के नीचे, कहीं किसी भी जगह पर ऑफिस में बैठे बैठे शांति से बैठे हैं और ये धर्म हो गया। क्या बात कर रहे हो आप, ऑफिस में भी धर्म हो सकता है कि? हाँ हो सकता है। कैसे होगा? जिस हाल में रहो ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ये धर्म कैसे है यार? ये धर्म, ये जैन धर्म के धर्म की व्याख्या है, बड़ी गजब की है। ये वितरागी संतों ने जो धर्म की व्याख्याएं की है, ये व्याख्याएं ना समझने के कारण अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, चाहे जहां चाहे जिस जगह पर धर्म धर्म समझ रहा है। बोलो, 3 दिन हो गए, 10 दिन तो धर्म करना चाहिए भैया हमारे को, विशेष धर्म करना चाहिए। क्यों? दशलक्षण पर्व चल रहे हैं। कोई व्यक्ति 1 दिन धर्म करता है, कोई 3 दिन करता है, कोई 10 दिन करता है दशलक्षण के लिए। श्वेतांबर हो तो परिभाषण में 8 दिन के लिए धर्म करते हैं, दिगंबर है 10 लक्षण धर्म 10 दिन के लिए करता है, कोई ज्यादा धर्मात्मा हो तो 1 महीने, और पूरे भादवे के महीने में हमने धर्म किया। धर्मात्मा कोई ऐसा हो जो ये कहे कि पूरे पूरे भादवे के महीने में नहीं, हम तो चौमासे में धर्म करते हैं, चौमासे का धर्म है ये। धर्म कब करना, कब करना ये धर्म? बोलो, मेरा एक टॉपिक था अभी, कहाँ था, जैना का कन्वेंशन एले में था ना, लॉस एंजल्स में, वहां मेरा एक टॉपिक था कन्वेंशन में, डेली प्रैक्टिस ऑफ जैन धर्म। धर्म के प्रतिदिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने बात की वहां, मैंने कहा हमें एक बात बतलाइए कि आप डॉक्टर के कब जाते हैं, जनवरी में या फरवरी में, रविवार को या सोमवार को? डॉक्टर के कब जाते हैं, कौन सी डेट को जाते हैं, कौन सी तिथि को जाते हैं? कोई तिथि, कोई तारीख नहीं है क्या डॉक्टर के जाने की? डॉक्टर के जाने की कोई डेट निश्चित नहीं है क्या? कौन से महीने में आप डॉक्टर के जाएंगे? बोले पूरे साल में, भाई ये सितंबर का महीना आता है ये तो डॉक्टर के जाने का महीना है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा क्यों? आप क्या कहेंगे, अरे यार कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो, जब बीमार पड़ेंगे तब जाएंगे, जब तबीयत खराब होगी तब डॉक्टर के जाएंगे, इसमें कहां फर्क पड़ रहा है? तो हम ये कह रहे हैं कि धर्म किस लिए किया जाता है। समंत भद्राचार्य कहते हैं यो धर्त उत्तमे सुखे, सुख प्राप्ति के लिए धर्म किया जाता है। तो आप दुखी कब हैं कि यहां संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। हम तो दुखी है भाई साहब, बहुत दुखी है हम तो, इस संसार में तो अपार दुखी है हम, तो फिर धर्म कब करें? मतलब यदि सुखी होने के लिए धर्म किया जाता है तो वो धर्म कब करें? जब दुखी हो तब करो, हर क्षण करो, हर पल करो, हर दिन करो। ऐसा कोई समय नहीं है, इस धर्म को तिथि में नहीं बांधा जा सकता है। आपने 10 लक्षण की 10 दिन की तिथियों के अंदर धर्म को बांध दिया, आपने अनंत चतुर्दशी 1 दिन में धर्म को बांध दिया, आपने 1 महीने में धर्म को बांध दिया। धर्म कोई ऐसा बाड़ा नहीं है जिसमें हमने तिथि में मुहूर्त देख करके धर्म कर लिया हमने। अरे मुहूर्त में धर्म नहीं होता, अक्षय तृतीया के दिन होता है धर्म, महावीर जयंती के दिन, दिवाली के दिन होता है, ऋषभ देव जयंती के दिन, श्रुत पंचमी के दिन होता है। कौन से दिन धर्म होता है? मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। ले हो क्या आप रोगी? आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको कोई रोग तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई कोई सब ठीक, कोई बीमारी नहीं है।
आपका हो रहा था ना, क्या ठीक हो गया? जुकाम सर्दी क्या क्या था आपके? अब ठीक है ना? अब तो नहीं है कोई दिक्कत? कुछ नहीं। फिर क्यों आए हो यहाँ पे, मंदिर क्यों आए हो? किसी तरह की बीमारी नहीं है क्या? सही सही बतलाओ अपने हृदय पर हाथ रख करके, सुबह से अभी तक किसी ने दवाई नहीं ली, किस किस ने दवाई नहीं खाई? साकेत जी, दवाई खाई क्या साहब सुबह से? हरकत आपने नहीं खाई, दवाई नहीं ली, नाश्ता किया, चाय पी थी, नाश्ता किया था। नाश्ता क्यों किया था? भूख मिटाने के लिए किया था। क्षुधा रोग है, वो बीमारी है, और बीमारी की दवाई हम क्या समझते हैं? भोजन करना, नाश्ता करना, और बीमारी की दवाई है। मैं तो समझ रहा था कि मैंने कोई दवाई नहीं ली। अरे रोज ले रहे हैं, अरे साहब मैंने पिछले 6 साल में दवाई नहीं ली। रोजाना भोजन तो करते हो, फिर कहते हो दवाई नहीं ली। पर पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटाना चाहिए थी। इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बनाकर खाई थी। मिष्ठान अनेक बनाए थे, दिन रात भके न मिटी प्रभुवर। अब संयम भाव जगाने को लाया हूँ ये सब थाली भर। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने। ये जिन मंदिर क्या है, ये औषधालय है, ये जिन मंदिर क्या है, ये चिकित्सालय है, यहाँ इलाज होता है, यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, और ये जनवाणी के माध्यम से उपाय बतलाते हैं, और उसका सेवन करने वाले, उसको अपने हृदय में धारण करने वाले रोग से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें मिथ्यात्व रूपी रोगों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आप यदि अनादि काल से मिथ्यात्व रूपी रोग से ग्रसित हैं, तो जिन मंदिर रूपी चिकित्सालय में आइए, और जिनेन्द्र देव की वाणी रूपी इस औषधि को सुनिए जो जनवाणी में बतलाई गई है, और इस वाणी को सुनकर अपने हृदय में श्रद्धा में स्वीकार करने रूप सेवन कीजिए, और फिर बतलाइए, आपका मिथ्यात्व रूपी रोग टिक नहीं सकता। टिक जाए तो कहना, इलाज हो रहा है, आप बतला रहे हैं यहां पर। धर्म करने के लिए आए हैं हम यहाँ, इस जिन मंदिर में धर्म करने के लिए आए हैं। सम्यक दर्शन धर्म है, और ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा चतुर्गति में पाए जाते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सब जगह पर पाए जाते हैं। अमेरिका में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं कि नहीं? अमेरिका का जीव कैसे सम्यक दर्शन ले लेगा? क्यों अमेरिका का? बात तो ऐसी कह रहे हो आप जैसे कोई मलेच्छ खंडे की बात कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो। अरे नरक में ले लेता है। ये धर्म प्रतिकूलता में भी हो जाता है भाई साहब। जिस धर्म को आप धर्म समझ रहे हो, वो धर्म सिर्फ अनुकूलताओं में होता है, और हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, ये धर्म प्रतिकूलताओं में भी हो जाता है। ये नहीं समझ में आया? सप्तम नरक का नार की वैसी प्रतिकूलता तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। सप्तम नरक के नार की जैसी प्रतिकूलता होगी क्या कहीं? नरक की प्रतिकूलता, अरे इतनी प्रतिकूलता है वहां नरक के वातावरण में कि वो नरक का नार की जीव, चौथे नरक का नारकी जीव, पांचवें नरक के उष्ण बिल में रहता हुआ वो नारकी जीव, जहां सर्वाधिक गर्मी की वेदना है, उसे वहां से निकालकर यहां से बाहर सिंगापुर में नहीं, हिंदुस्तान में वो टाटा जी की जहां भट्टियां चलती है ना, तनो मनो लोहा जहां गलाया जाता है, उस भट्टी में ले जाकर के पटक दो उसकी आग में, तो वो नारकी जीव आराम से ऐसे सोए जैसे इसी में सो रहा हूं ऐसा फील करे वो। इसका मतलब इन भट्टियों की आग की तुलना में नरक में कितनी अपार वेदना दिखाई देती है, लेकिन बाहर नारकी कृत दुख भोगते अंतर सुख रस घटा घटी, वो धर्म है भाई साहब। धर्म कर रहे हैं वो क्या? ये मनुष्य गति का जीव धर्म नहीं कर पा रहा है, और त्रियंज गति के अनपढ़ धर्म कर लेते हैं, नारकी धर्म कर लेते हैं अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के। तो रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। इधर सम्यक दर्शन की बात करते हो आप लोग, चारित्र की बात तो करते नहीं हो। चारित्र की बात करो थोड़ी सी। चारित्र को धर्म कहा है आचार्य कुंद स्वामी ने। अरे सम्यक दर्शन को तो धर्म का मूल कहा है, साक्षात धर्म तो चारित्र को कहा है। शब्द तो देखो आप आचार्य कुंद स्वामी के, वगैरह चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र तो साक्षात धर्म है। साक्षात धर्म है चारित्र, और चारित्र तुम्हारे में दिखता नहीं है। कि चारित्र हमारे में दिखता नहीं है आपको? चारित्र
चरित्र दिखता नहीं है आपको, क्यों साहब? आप चरित्र है कि नहीं आपको कुछ? ये चरित्र क्या है ये तो बताओ पहले। धर्म की चर्चा कर रहे हैं ना हम, रत्नत्रय धर्म की बात कर रहे हैं आपके बीच में, हम आपसे पूछ रहे हैं चरित्र क्या है आप बतलाओ। चरित्र कहाँ हो सकता है? सम्यक दर्शन कहाँ होता है? सम्यक ज्ञान कहाँ होता है? और सम्यक चरित्र कहाँ होगा? इसका नाम सम्यक चरित्र है। स्वरूपे चरणम चरित्रम, स्वरूप में लीनता का नाम, स्वरूप में चरण करने का नाम चरित्र है। क्या हो गया है या इस बाउंड्री के बाहर निकल करके जरा जैनियों से पूछो कि चरित्र धर्म है साहब, बतलाओ कैसा चरित्र? बोले रात को भोजन नहीं करते थोड़ा तो चरित्र। अरे यार क्या गजब चरित्र पाल रहे हो भाई साहब आप, इस उम्र में इतना चरित्र पालते हो, आपका तो जीवन देखा हमने, मर्यादा का खाना खाते हो आप, ओहो क्या चरित्र है आप का, चरित्र बहुत गजब का है। ऐसा करने पंडित जी, उनका चरित्र बहुत था, उनका चरित्र देखो आप, अकेले बात ही नहीं करते हैं, चरित्र भी बहुत अच्छा है। क्या आपने कहाँ से देखा ये तो बताओ? हमने उनके खान पान से देखा, हमने उनके प्रवृत्ति से देखा, फिर हम पूछते हैं चलो चरित्र तो देख लिया, सम्यक दर्शन भी तो देखो। ये सम्यक दर्शन तो आत्मा में होता है, सम्यक दर्शन तो अंदर की चीज है, श्रद्धा गुण की पर्याय है कि सम्यक ज्ञान, कि ज्ञान ज्ञान की चीज है वो भी आत्मा में होता है, और चरित्र ये पुद्गल की चीज है। सम्यक दर्शन तो आत्मा का गुण, दर्शन तो आत्मा का गुण, ज्ञान भी आत्मा का गुण, और चरित्र किसका गुण है? सम्यक दर्शन की बात कही तो तुमने कहा आत्मा में होगा, सम्यक ज्ञान की बात कही तो आत्मा में होगा, और सम्यक चरित्र की बात आती है ऐसे दिखता है नीचे से ऊपर तक, चरित्र नहीं दिख रहा है। चरित्र तुम्हारे को खान पान में दिखाई देता है, चरित्र तुम्हारे को बोलने में दिखाई देता है, चरित्र तुम्हारे को चलने में दिखाई देता है, चरित्र तुम्हारे को व्यवहार में दिखाई देता है। तुम्हें जो व्यवहार चरित्र दिखाई दे रहा है, व्यवहार में चरित्र दिखाई दे रहा है, ये तो जड़ की क्रिया है ना। जिस बोलने को चरित्र कह रहे हो तो भाषा वर्गणा है ना, जिस बाहरी प्रवृत्ति को चरित्र कह रहे हो ये तो शरीर की क्रिया है ना, ये धर्म थोड़ी ना है। शरीर की क्रिया धर्म नहीं है, आत्मा की क्रिया धर्म है। शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म नहीं होगा, आत्मा का धर्म आत्मा की क्रिया से होगा। इसलिए धर्म तो सब करना चाहते हैं लेकिन धर्म समझना कोई नहीं चाहता, समस्या ये है। पूरे देश में ये समस्या है, अभी समझना कोई नहीं चाहता है, हर व्यक्ति समझाने को तैयार है। ये तो कोई थोड़ा सा हमारा भाग्योदय है कि आप लोग सुन रहे हो, बाकी समझाने को तैयार बैठे रहते हैं लोग। मैं बताता हूँ पंडित जी ऐसा है, हम बताते हैं आपको जैन धर्म। अरे ये जो 24 तीर्थंकर है ना, ये 24 तीर्थंकर क्या है, ये सब एक ही है, सारे धर्म एक है। हम बताते हैं आपको, हम बता सकते हैं आपको, आप 24 तीर्थंकर नाम कह रहे हो, वो 24 अवतार कह रहे हैं, एक ही तो बात है। हिंदुओं में 24 अवतार कहते हैं, तुम्हारे यहाँ 24 तीर्थंकर कहते हैं, उनके यहाँ 24 पैगंबर कहते हैं, सब 24 ही है। मुसलमानों में 24 पैगंबर है, हिंदुओं में 24 अवतार है, तुम्हारे यहाँ 24 तीर्थंकर है, 24 सब एक ही है। और तुम्हारे यहाँ जो ऋषभ देव है ना, जिसे तुम ऋषभ देव कहते हो, आदिनाथ कहते हो, उसे हम आदि ब्रह्मा कहते हैं, वही है वो। और उसे मुस्लिम ये कहते हैं ये आदम बाबा है, वो भी उन्हें मानते हैं, तो सब एक ही है, ये सब कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है। हम भी यही कह रहे हैं सब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही है। लेकिन कौन सा एक ही है जो तुमने बाहरी तीर्थंकरों को एक कह दिया ये एक नहीं है? हम ये कह रहे हैं जैसा अनंत गुणों से युक्त धर्मात्मा, अनंत धर्मों से युक्त अखंड आत्मा इस देह में विराजमान है, वैसे ही अखंड आत्मा एक मुस्लिम व्यक्ति के हृदय में अंतर में भी विराजमान है, वैसे ही हिंदुओं के पास भी विराजमान है। अरे उसे पहचानो तो तुम भी धर्मात्मा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर में किसी भी कुल में जन्म लिया हो, किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय में जन्म लिया हो, लेकिन अपने को जाने तो धर्मात्मा। सम्यक दर्शन धर्म है, वो चरित्र अंदर में होता है, जिस चरित्र को साक्षात धर्म कहा गया, वो समता भाव का नाम चरित्र है। प्रवचन सार सातवीं गाथा के अंदर जिस चरित्र की बात कही, चरित्रम खलु धम्मो, तो वहीं का है ना, पढ़ता तो है नहीं, जानता तो है नहीं, और चरित्रम खलु धम्मो, चरित्रम खलु धम्मो के नारे लगाता है, ऐसा कहता है कि मानो चरित्रम खलु धम्मो कहकर के मैंने इनको सच्ची बात समझा दी। हम भी समझते हैं भाई चरित्रम खलु धम्मो है, राग नहीं, कषाय नहीं, विकार नहीं, समता भाव और स्वरूपे चरणम, अपने स्वरूप में आचरण, उसका नाम चरित्र है, वो धर्म है। बिल्कुल भी परतंत्रता नहीं है भाई साहब।
सच में यदि आप ये समझ लेंगे एक बार गहराई से कि ये धर्म शरीर में नहीं है, शरीर से नहीं है, शरीर के आश्रित नहीं है, शरीर की पराधीनता हमारे धर्म करने में नहीं है, तो आनंद ही कुछ और आएगा। अच्छा, मैं ध्यान करना है मुझे, मैं क्या करूं, लेकिन मेरी कमर दर्द करती है, मेरे से सीधा नहीं बैठा जाता। अब बोलो ध्यान कर सकता हूं कि नहीं, बोलो। मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मेरे से तो अब क्या करें, बोलो। अब धर्म कैसे होगा, हे भगवान मेरे को कोई कमर के दर्द का इलाज कर दे, मैं तो धर्म कर लूं थोड़ा सा। अब ध्यान ही नहीं कर पा रहा हूं मैं कि तू कमर के दर्द का ध्यान छोड़कर आत्मा का ध्यान कर, उसका नाम धर्म है। घुटने शरीर का नाम धर्म नहीं है, ये शरीर की अवस्था का नाम धर्म नहीं है। वो सम्यक दर्शन भी, इसकी चर्चा भी कल भी थोड़ी बहुत अपने आपके बीच में की है, वो सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाओ क्या है। सच्चे धर्म की व्याख्या बतलाता हूं साहब, सच्चा धर्म कैसे होगा। ये तो रत्नघनश्याम का चार का श्लोक है, श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोव्रतां त्रिमूढ़ापौर्णमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्मयं। देवशा गुरु के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का, तत्वार श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का, आपा पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का। मैं तो एक सीधी सारी बोलचाल की भाषा में परिभाषा बतलाता हूँ। सम्यक दर्शन जो दौलत राम जी के शब्द हैं, तीसरी ढाल के शब्द हैं, तीसरी ढाल का पहला छंद, दूसरा छंद है क्या, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक बना है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए दुनियत को मोही। क्या बहुत सुंदर, समझ में आई क्या कुछ लाइन है, एक लाइन में सम्यक दर्शन, एक लाइन में सम्यक ज्ञान, एक लाइन में सम्यक चारित्र, और तीनों के स्वरूप को समझ करके रत्नत्रय, वो हो गया धर्म, सच्चा धर्म। यो धरत, ये धरेगा उत्तम सुख में ले जा करके। संबंध भद्राचार्य की जो लाइन है अभी हमने पढ़ी, यो धरत उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में ले जा करके धर देवे उसका नाम धर्म है। अब ये बात अलग है कि आप सुख नहीं चाहते हो तो फिर मैं नहीं कह सकता, सुख चाहते हैं कि नहीं, क्या करेंगे, अब बहुत सुखी हो गए, अब ज्यादा नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, सुखी नहीं होना है। लोग कहते हैं क्यों करें धर्म, ऐसा प्रश्न उठा देते हैं कभी कभी लोग, हम धर्म क्यों करें साहब, क्या मिलेगा हमारे को धर्म करने से, कि सुख मिलेगा, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए ये निर्णय करो। सुख मिलता है धर्म करने से, शांति मिलती है धर्म करने से, बाहर की शांति नहीं अंदर की शांति मिलती है धर्म करने से। ये धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय से प्रकट होता है, ये धर्म है। किसे कहा सम्यक दर्शन, बोलो, बहुत सरल व्याख्या, इससे सरल कोई चर्चा हो नहीं सकती सम्यक दर्शन के लिए। बड़ी बड़ी बातें नहीं, शास्त्रों के आधार पर बातें नहीं। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, भला माने निश्चय, भला शब्द का अर्थ क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यन से भिन्न अपने आप की रुचि, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, बोलो, रुचि माने इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। यदि आपकी राग में रुचि है तो धर्म नहीं हो सकता, आपकी बिजनेस में रुचि है तो धर्म नहीं हो सकता। पर द्रव्यंते भिन्न, अपने आप में रुचि है या नहीं, आपका इंटरेस्ट अपने आप में है या नहीं, बतलाओ। अपने आप में इंटरेस्ट को क्या, अब इससे ज्यादा सरल बात क्या होगी, कि तो आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। आपको हम एक टॉपिक देते हैं, आप बतलाना आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं, घूमने फिरने में मजा नहीं आता हमारे को, तो पढ़ने में क्या, पढ़ने में फिर हमारे यहाँ इंटरेस्ट है, पढ़ने में तो है, कि व्रताधिक पालन करने में है या नहीं है, जो कुछ भी टीवी देखने में, हाँ इसमें तो हमारा इंटरेस्ट है। ये सब परद्रव्य है, इनसे भिन्न आत्मा की रुचि वो है या नहीं है। ये कहता है मुझे धर्म की बहुत रुचि है, क्या साहब क्या बोलता है, धर्म की बहुत रुचि है पंडित जी हमारे को, बहुत रुचि है, बहुत धर्मात्मा है, इतना रुचिवान है, बहुत रुचि है। किस बात की रुचि, अच्छा धर्म की रुचि है माने धर्म क्या है, पहले तो ये बतला। अरे इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, तुम कह रहे हो धर्म की रुचि है, धर्म की रुचि है,
धर्म की रुचि है माने पूजन करने की रुचि है, धर्म की रुचि है माने रक्षा उपाध्याय की रुचि है, धर्म की रुचि है माने क्या सारा सब चौपट हो रहा है सब कुछ मामला। ये कह रहे हैं धर्म की रुचि है, और हम कह रहे हैं धर्म की रुचि नहीं, आत्मा की रुचि है या नहीं, अपने आप में रुचि है नहीं, अपने आप में कैसे नहीं है सब। सच्चा स्वार्थी हो जाने का नाम जैन धर्म है, सच्चे स्वार्थी बन जाओ इसका नाम धर्म है। स्वार्थी मैं देखो व्यवहार धर्म की जब बात करेंगे तो फिर गृहस्थ धर्म की बात करेंगे, फिर लोक व्यवहार की बात करेंगे, फिर अष्टांगों के पालन करने की बात करेंगे, निशंकित आदि की बात करेंगे, षट आवश्यकों के पालन करने की बात करेंगे, वो सब व्यवहार धर्म के खाते में चला जाएगा। उपचार से उसे धर्म कहेंगे। धम्मो दया विशुद्धो ऐसा तक कहा है आचार्य देव ने, दया से युक्त विशुद्ध परिणामों का नाम धर्म है। ठीक है, वो सब व्यवहार की बातें हैं, लेकिन सच्चा धर्म कहाँ है? पर से भिन्न। अब पर द्रव्य के साथ साथ में लगाओ, अभी मैं इसके 50 वाक्य बना सकता हूं और आपको 5 वाक्य बनाने के लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्या किसके वाक्य बनाने हैं? इस लाइन की जगह आपको अपनी लाइनें लिखनी है विक्रम भाई, अपनी लाइनें। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि साम्यत्व भला है। अब अपनी लाइन बनाओ। मोबाइल से भिन्न आत्म की रुचि सम्यक बनाए। समझ में आ रही है क्या? बना सकते हो आप? किससे? डोसे से भी भिन्न आत्म की रुचि। किस किस की रुचि है आपको? बिजनेस से भी भिन्न आप में रुचि सम्यक बनाए। अरे जब परद्रव्य कह दिया है तो बिजनेस परद्रव्य है ना, काम नाम परद्रव्य है ना, वाइफ परद्रव्य है या नहीं है, बच्चे परद्रव्य है या नहीं है, बोलो, कपड़े लत्ते जेवर गहने परद्रव्य है या नहीं है। हमारा तो ये कितनी अच्छी चीज है यार, ये कितनी सुंदर डिवाइस है, ये कितना सुंदर है, ये कितनी अट्रैक्टिव चीज दिखाई दे रही है यार, इनका मिरर कितना अच्छा है, ये कितनी चीज अच्छी दिखाई दे रही है। अरे भाई सुन, उनसे दृष्टि हटा, इसका नाम धर्म है। धर्म करने के लिए बाहर का रस तोड़ना पड़ेगा, जब तक बाहर बाहर का रस रहेगा तब तक धर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि धर्म अंदर का नाम है, अंदर अंदर चले जाने का नाम धर्म है। धर्म करने के लिए बाहर नहीं, अंदर में आओ, अंदर में आओ तो धर्म होगा। तो पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, अपने आप में रुचि वो सम्यक्त्व है, वो भला है। और इसके अलावा तो फिर कल रात को हमने 2 लाइनें सुनाई थी आपको, सुनाई थी या नहीं पता नहीं, वो मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, नहीं सुनाई थी? मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। बोलो, बहुत सारी लाइन जोड़ सकते हो आप इसमें। मंदिर चले गए, पूजन कर ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। अरे हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो धर्म श्रावकों के जीवन में भी हो सकता है, जो धर्म मुनिराजों के जीवन में भी हो सकता है, जो धर्म अरहंतों के जीवन में भी है, जो धर्म सिद्धों के जीवन में भी है। उपवास करने का नाम यदि धर्म है तो भरत जी आपकी दृष्टि में धर्मात्मा नहीं हो सकते। व्रतादिक के पालन करने का नाम यदि धर्म है तो सिद्ध भगवान धर्मात्मा नहीं हो सकते। सत्य बोलने का नाम यदि धर्म है तो मौन व्रत के धारी धर्मात्मा नहीं हो सकते। पूजन करने का नाम यदि धर्म है तो जो पूजन नहीं करते ऐसे मुनि धर्मात्मा नहीं हो सकते। आप लगाओ सारी चीजों को, एक एक चीज को लगाओ, बाहर में लगाओ जहां जहां आपको लगता हो। और दूसरी बात यह भी तो है कि उसमें सुख नहीं है ना, क्योंकि वो तो आकुलता के जनक दिखाई देते हैं। उन सारी प्रवृत्तियों में आकुलता होती है, सारी प्रवृत्तियों में भाग दौड़ होती है। जो दादा ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी, नियम संविधान किया था अपन ने कलकत्ता में पहले, हाँ बहुत सुंदर लाइनें लिखी उसमें, लाइनें तो नहीं उसका भाव बतलाता हूँ आपको। घर बनाना है, धर्म होगा कि नहीं होगा? कंस्ट्रक्शन कराना है घर का, धर्म होगा कि नहीं होगा? मकान बनाने में धर्म होगा क्या?
नहीं होगा ना, तो मकान बनाने में धर्म नहीं होगा तो मंदिर बनाने से धर्म कैसे हो जाएगा। ये लाइनें हैं उनकी कि क्या बात कर रहे हो साहब, मंदिर बनाने के लिए मना कर रहे हो आप? ये मना नहीं कर रहा हूं मैं, चलिए पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा, लेकिन आप जरा दोनों ही क्रियाओं में कंपैरिजन करके तो देखो। मंदिर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, घर बनाने के लिए भी तो वैसा ही लगता था। घर बनाने वाले कारीगर जिस तरह से काम करते थे, मकान बनाने के लिए भी तो वैसा ही करते हैं। घर बनाने के लिए, जमीन जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जिस तरह का द्वंद फंद करना पड़ता था, मंदिर बनाने के लिए भी तो वही सब द्वंद फंद करने पड़ेंगे। क्या फर्क है बतलाओ मेरे को? भाव अलग है तो हमने कह दिया पुण्य बांध लोगे, प्रवृत्ति में तो कोई फर्क नहीं है, काम तो उसी तरह का है। अब आपने इसको बनाया, आप इसको ऑफिस नाम दे देते, आपने इसको मंदिर नाम दे दिया, ये मंदिर हो गया। थोड़ा सा डेकोरेट उस तरह से कर दिया तो मंदिर हो गया, डेकोरेट अलग तरह से कर दो तो हॉल हो जाएगा, और अलग तरह से कर डाइनिंग हॉल हो जाएगा, जैसा चाहो वैसा हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब बाहर से नहीं, उनके साथ में जुड़े हुए जो भाव है, वो भाव है शुभ राग। इसलिए मैंने वो लाइनें बीच में दादा की बोली थी, बहुत सुंदर और मार्मिक लाइनें हैं जो हमेशा याद रखने योग्य है, क्योंकि हम लोग सब इसमें तो धर्म नहीं मानते। क्या सब? हम इसमें तो धर्म नहीं मानते, पूजन पाठ भक्ति व्रत उपवास नियम संयम इनमें धर्म नहीं मानते। अणुव्रत महाव्रत आदि को भी आश्रव भाव जान करके हम कहते हैं कि इसमें धर्म नहीं है, ये तो पक्की बात है। लेकिन इन इन क्रियाओं के साथ में जो हमारे भाव में है, उससे तो धर्म हो रहा है। क्या उससे तो हो रहा है ना? तो फिर वो लाइन याद करो, कौन सी? राग धर्म में, धर्म राग में, अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा बस अब तक ऐसा माना था। फिर पर आज समझ में आया है कि बीत राग था धर्म आहा, और राग भाव में धर्म मानना। आ गया है ना? पर आज समझ में आया है, आज आ गया ना समझ में? आज समझ में आया है बीत राग था धर्म है, आज समझ में आया है बीत राग था धर्म है, बीत राग था धर्म है, समझ में आ गया आपको? तुम तो राग राग में धर्म कह रहे हो। पूजा का राग और पूजन में राग और पूजन करते करते धुन से गाने भी राग सही लो वो राग कहीं नहीं है धर्म, कहीं भी नहीं है। अरे साहब आप तो सारे पूजन पाठ सब छुड़वाओगे, हमारी सब बंद कराओगे आप, हमें तो पहले ही डर था इस बात का। क्या ये सब ये जो है धर्म छुड़ा देंगे? अरे धर्म छुड़ाएंगे नहीं, धर्म जिसमें गलत फहमी में धर्म समझ रखा है हम उसे छुड़ा रहे हैं, हम धर्म नहीं छुड़ा रहे। गलत चीज को धर्म समझ रखा है ना, उसमें से धर्म बने की बुद्धि छुड़ा रहे हैं। ये धर्म हम असली धर्म का परिचय करा रहे हैं। ये सम्यक दर्शन धर्म की कितनी सुंदर ज्ञानियों की परिभाषाएं कितनी गजब की हैं। टोटरमल जी ने परिभाषा लिखी, राग आदि मिटाने के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। बोलो, दौलत राम जी ने परिभाषा क्या लिखी? पर द्रव्यंते भिन्न आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन है। टोटरमल जी ने परिभाषा क्या लिखी? रागादि मिटाने के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और मैं यदि अपनी परिभाषा लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं, दुख मिटाने का विश्वास और भरोसा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आपको दुख मिटाना है क्या? मिटाना है सब, कि दुखी रहना पसंद है कि नहीं? नहीं, दुखी तो रहना पसंद नहीं है, मिटाना है। तुम्हें यदि पक्का भरोसा है ना इस बात का, श्रद्धा इसकी कि दुख कैसे मिटेगा, इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि रागादि मिटाने का श्रद्धान कह दिया ना टोटरमल जी ने, और राग दुख है, राग आग है, वीतराग का धर्म है और राग आग है, राग में तकलीफ है, जितना राग है उतना दुख है और जितनी वीतरागता है उतना सुख है। तो राग में धर्म मतलब राग को अच्छा माना, इसका मतलब दुख को अच्छा माना। राग मिटाने का श्रद्धान इसको सरल भाषा में कहें, थोड़ी कठिन में कहें तो आश्रव मिटाने का श्रद्धान, और आश्रव दुखकार घनेरे तो सरल भाषा में कहें तो हम कहेंगे दुख मिटाने का श्रद्धान। अब बोलो इससे सरल धर्म की परिभाषा और क्या होगी? हमें दुख मिटाना है, इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, इस श्रद्धान का नाम धर्म है।
जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। जिस पंथ जिस रास्ते पर भगवान चले हैं उस रास्ते पर चलने का नाम धर्म है। ये सब कौन से रास्ते पर चले थे अब हमारे को तो पता ही नहीं है, कहाँ रहते थे। बिहार से मोक्ष गए ना महावीर भगवान, अब वो वहां से कौन से रास्ते से कहाँ से चले। अरे तू कौन से चलने की बात कर रहा है तू कौन से रोड और सड़क की बात कर रहा है। उनका रास्ता बाहर था ही नहीं, वो अंदर की तरफ से जा रहा था। इसलिए हमने जो अभी लाइनें सुनाई थी वो पूरी करके बात करते हैं पूरी। धर्म बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। इसलिए बाहरी घुड़ दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। काम क्या करें कि डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। ये जैन धर्म है, अपने को जानने का नाम धर्म है, अपने को पहचानने का नाम धर्म है, अपने में समझ आने का नाम धर्म है, अपने आप में लीनता का नाम धर्म है, बाहर न निकलने का नाम धर्म है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हुना निज घर आए। निज घर में आ जाने का नाम धर्म है। ये वस्तु स्वभाव धर्म, जो वस्तु का स्वभाव था उसकी श्रद्धा जीवन में हो जाए इसका नाम धर्म है। और जब ये श्रद्धा जीवन में होती है तो परिणति निर्मल होती है, और उस निर्मल परिणति में कषायों का अभाव होता है, शांति का साम्राज्य होता है, समता भाव की जागृति होती है, इसका नाम चारित्रम खलु धम्मो धर्म है। तो वस्तु स्वभाव धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म है, ज्ञान ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है, और ये सब जीवन में उतरते हैं तो फिर 10 लक्षण स्वरूप जीवन बाहर में दिखाई देता है, वो 10 लक्षण भी धर्म कहलाता है। फिर बाहर की प्रवृत्तियां ऐसी होती है कि जीवों के प्रति करुणा का भाव होता है, फिर धम्मो दया विशुद्धो उसे भी धर्म कहा जाता है, वो सब उपचार से कहा जाता है। शुरुआत कहां से होगी, अपने में अपनेपन से, अपने में अपनापन। बस अंतिम दो लाइनें बोलता हूं, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। सारा जीवन किस में चला गया, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। और अंतिम लाइन है इस भजन की, अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया। अपने में अपनापन करके जब मैं अपने में चला जाता हूं तो सच्चा धर्म जीवन में प्रकट होता है। इसलिए बंधुओं, धर्म के स्वरूप को समझे बिना धर्म नहीं होगा। समझो फिर करो। समझ का नाम जैन धर्म है, देखा देखी का नाम धर्म नहीं है, प्रदर्शन का नाम धर्म नहीं है, किसी के कहने में आ जाने का नाम धर्म नहीं है, कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया उसका नाम धर्म नहीं है। सब में अपनी बुद्धि लगाओ, अपना उपयोग लगाओ, समझ पूर्वक काम करो, विवेक पूर्वक काम करो। तो विवेक पूर्वक और समझ पूर्वक हम सच्चे धर्म को समझेंगे, सच्चे धर्म को अपनाएंगे और सच्चे धर्मात्मा बनकर सादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे। इसी भावना से मैं धर्म की बात कही।